बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम इन्फॉर्मेटिव टीम में मैं आपका एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। आज फिर आपके लिए मैं ज़बरदस्त डबल स्टोरी का K2 के कॉर्नर पे जो है ना डबल स्टोरी घर लेकर आया हूँ। इसके अलावा अगर आपको प्लॉट भी चाहिए सिटी हाउसिंग में, किसी भी ब्लॉक में आपको प्लॉट चाहिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर ब्लिंक कर रहा है, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी बारहा हमेशा कोशिश हुई है अपना कीमती वक्त सिर्फ आपके लिए निकाल के अच्छे से अच्छे मुनफरद खूबसूरत वेल डेकोरेट और ज़बरदस्त जो है ना घर या प्लॉट आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस तरह करता हूँ कि जो है ना आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ, फिर हम अंदर विजिट करेंगे, फिर जो है ना हम इसको जो है आपको डिटेल बताऊँगा, अंदर विजिट करेंगे फिजिकल इवेंट पे हम इसकी प्राइस कोट करेंगे, ऑनर डिमांड क्या कर रहा है। आपने ना सिर्फ सिटी हाउसिंग में न्यू मेट्रो गॉफ या कहीं भी आपको जो है ना किसी भी सोसाइटी में प्लॉट चाहिए, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर ब्लिंक कर रहा है, इस नंबर पर आपने रब्ता करना है। आपको कोशिश होगी कि जहाँ आपको चाहिए अच्छा मुनासिब रेट में आपको प्लॉट या घर निकाल के दिया जाएगा। अभी मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ, आपने मेरे साथ रहना है, फिर मैं आपको जो है ना विजिट करवाऊंगा डिटेल, ताकि विजिट और एंड पे हम इसकी प्राइस कोट करेंगे, मेरे साथ रहिए। जैसा कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाया था, आज मैंने दोबारा इसकी फुल वीडियो लगाई है ताकि आप इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। शॉर्ट वीडियो हम इसलिए लगाते हैं कि आपको जो है थोड़ा सा हाउ नो हो जाए, बाद में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपको जब वीडियो दिखाई जाती है, अभी जैसा कि उसमें ना ये बेनिफिट होता है कि जब आपने शॉर्ट वीडियो देखी होती है तो आप इंटरेस्टेड होते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको ब्रीफ किया जाएगा। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, कल वीडियो लगाई थी शॉर्ट, आज मैं फुल वीडियो लगा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको फ्रंट एलिवेशन के साथ साथ ना आगे पीछे का सारा व्यू दिखाता हूँ। K2 के कॉर्नर, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया, K2 का कॉर्नर है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ज़बरदस्त आउटलास्ट नज़ारा है और कॉर्नर प्लॉट है। कॉर्नर प्लॉट का बेनिफिट तो आपको पता ही होगा, तो रिंग रोड के ऊपर एक साइड मीन एलिवेशन, एक साइड का एलिवेशन, दूसरी साइड में आपको वो भी दिखाता हूँ, रिंग रोड के ऊपर है ये, और इसका 3D नक्शा है और मकान भी जो है ना 3D बनाया गया है। ये आगे पीछे का आपको व्यू दिखा रहे हैं, रोड आप देख लें और ये घर है जी। अभी थोड़ा सा ना मैं दूसरी साइड से भी आपको व्यू दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये चेक करें जी। और इसकी जो एंट्रेंस है ना वो कॉर्नर पे है, एंट्रेंस कॉर्नर मकान है, कॉर्नर एंट्रेंस है, 3D नक्शा है, व्यू है, हर एक चीज़ ज़बरदस्त है। तो जी नाजरीन, मैंने आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाया है, अभी जो है ना थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, फिर मैं सारा घर जो है ना आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर विजिट करवाऊंगा, एंड पे हम इसकी प्राइस कोट करेंगे। K2 में जो है ना ये कॉर्नर का प्लॉट है, 5 मरले की एक्स्ट्रा लैंड है, 1.5 से 1.5 मरला ऑलमोस्ट जो है ना 6.5 मरले बनती है, 5 मरले से एक्स्ट्रा लैंड है, कॉर्नर प्लॉट है। इसकी जो है ना OTS या जो है ना ये इसका बेनिफिट ये होता है कि इसको जगह को बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज किया गया, प्लस ये है कि जो है ना हवादार घर है, रोशन घर है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉर्नर प्लॉट आपको पता है इसकी कितनी वैल्यू होती है, इसमें बेनिफिट ये होता है कि हर जगह से आपको ना OTS मिल सकती है, आपकी जगह वेस्ट नहीं होती, हर एक ज़बरदस्त आपको जो है ना फ्रेश एयर ईजिली आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इधर इसके अलावा मैंने और भी यहाँ पे इसी जो है ना ब्लॉग में घर लगाए हैं, वो ऑलमोस्ट तकरीबन सेल हो गए, उसमें भी एक दो घर रह गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंने लगाए हैं। ये जो है ना अर्जेंट फॉर सेल है, हॉट आइटम है, इस तरह के घर जो है ना बहुत कम मिलते हैं। और मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, हमेशा आपने मुझे एक बात कही है कि आप जो घर लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी सेल होते हैं, उसकी रीज़न यही है कि आपने जो मैंने चैनल सब्सक्राइब किया, और सिर्फ आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने बेल के आइकन पर क्लिक नहीं किया होगा, उसका नुकसान ये है कि जब वीडियो लगाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। अभी जो है ना मैं आपको सारा अंदर का व्यू दिखाता हूँ, एंड पे हम इसकी प्राइस कोट करेंगे, ओनर डिमांड क्या करें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की ये घर है सिटी हाउसिंग में, इसके अलावा आपने कहीं लोकल एरियाज में या किसी और सोसाइटी में घर बनाना है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर मौजूद है, सुपरवाइजर, वेल क्वालिफाइड सुपरवाइजर मौजूद है, जो आपका काम नफीस और ज़बरदस्त अच्छे तरीके से डेकोरेट करके उस हिसाब से मैनेज करेंगे। तो मैं आपको जो है ना अभी घर का सारा व्यू दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अभी हम घर में एंटर होंगे जी, कार पोर्च आप देख सकते हैं, वसी कार पोर्च है, ऊपर सीलिंग हुई हुई है, फैन लगा हुआ है जो कार पोर्च के अंदर है, थोड़ा बहुत इसका काम होने वाला रह गया तो वो आपको करवा के दिया जाएगा, जो आपको प्राइस एंड पे कोट की जाएगी उसमें ना आपको जो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह रहती है या जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है या इसके अलावा कोई काम है वो आपको करवा के दिया जाएगा। ये घर के अंदर एंटर हुए हैं, नीचे टाइल लगाई गई है जी, अच्छी खूबसूरत शानदार। और एक और आपको बात बताता चलूं कि आप अगर ये चाहते हैं इस तरह के खूबसूरत घर बनाने, स्क्रीन के ऊपर इंजीनियर का नंबर चल रहा है, उस नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कहीं भी ना सिर्फ ये सिटी हाउसिंग के एरिया में, इसके अलावा भी आपने कहीं घर बनाना है तब भी आप रब्ता कर सकते हैं, आपको इस तरह के अच्छे खूबसूरत घर बनवा के दिए जाएंगे और इनकी प्राइस भी रीज़नेबल होगी मार्केट से, यानी कि जो अगर आप विद मटेरियल काम देते हैं तो उस हिसाब से भी, या आप जो है ना कह लें कि वो पर स्क्वायर फिट के हिसाब से विदाउट मटेरियल काम देते हैं लेबर के हिसाब से, तब भी आपको अच्छा डिज़ाइन और जो है ना ज़बरदस्त और इंजीनियर के जो है ना सुपरवाइज़र के ज़ेर निगरानी सारा काम करवा के दिया जाएगा।
या आपको सीलिंग का, इसके अलावा सीलिंग का आपको कोई चाहिए जिसने सीलिंग हुई हुई है उसकी आपको लेबर चाहिए, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट देना है ठेका देना तो वो भी हमारे पास लेबर मौजूद है। ये आपको सारा हम व्यू दिखा रहे हैं जी। किचन चेक करें जी, आपको किचन का व्यू दिखाया है। सॉलिड वुड के जो है ना ये डोर लगे हुए हैं। अभी आपको जो है ना मैं ये दूसरे स्टेयर्स के साथ रूम है उसका विज़िट करवाता हूँ जी। ये चेक करें, इस रूम के अंदर भी वॉल टू वॉल कबर्ड है। और एक और बात बड़ी ज़बरदस्त है इस घर में जी, जैसा कि कुछ घर में नहीं होती, इस घर में जो है ना खास ख्याल रखा गया है क्योंकि कॉर्नर पर है, और खास ख्याल इस चीज़ का रखा गया है कि हवादार हो। तो ये चेक करें, वॉल के अंदर सीलिंग का डिज़ाइन किया गया है। अभी वॉशरूम का आपको व्यू दिखाते हैं जी। ये वेंटी टाइप लगी हुई है, वेंटी है फ्रंट के ऊपर, यहाँ पे इंग्लिश सीट है, और जो टाइल वगैरह का यूज़ हुआ है वो उस हिसाब से मैनेज किया गया है रूम के हिसाब से। स्टेयर्स का व्यू आप चेक कर लेंगे। अभी इस ऊपर अभी मेरे ख्याल में आपको ना नीचे का एक व्यू दिखाता हूँ, और ये दिखा के ना सीलिंग का, साथ में स्टेयर्स के नीचे जो मिनी वॉशरूम है उसका भी व्यू दिखाता हूँ। मैं भूल गया था दिखाना आपको, भी नीचे चलते हैं दोबारा एक सेकंड। ये चेक करें जी, पाउडर रूम है मिनी साइज़ में। ये चेक करें जी, छोटा बेसिन बाहर वाली साइड पे लगा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश सीट लगी हुई है, हर जगह को उस हिसाब से मैनेज किया गया है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं स्टेयर से, ये ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन चेक करें आप जी। पूरे घर में ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे टाइल का इस्तेमाल किया गया फ्लोर के ऊपर। आप इस घर की खूबसूरती का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि आप चेक करें, यहाँ से जो बाहर का व्यू आएगा वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो विंडो इन्होंने बनाई है कितने नफीस ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया इन्होंने। देखें घर में खूबसूरत तो है ये घर, घर में सिर्फ खूबसूरती नहीं देखी जाती, घर में देखा जाता है घर हवादार कितना है। ये आप देख लें कि जो है ना कुछ घर इतने होते हैं कि इतने ज़्यादा उन्होंने ओवर डिज़ाइन किए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन नहीं किया गया, लेकिन जो घर में मटेरियल लग गया है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक का यूज़ होगा। घर को जो है ना वो बाहर से डेकोरेट उस तरह नहीं किया गया कि आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा, ये हर बंदा इस तरह का घर चाहता है। बहुत ज़्यादा जो ओवर होते हैं ना घर वो बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते वो घर, और हर एक बंदा उस जैसे घर को पसंद भी नहीं करता। तो ये घर उस हिसाब से मैनेज इन्होंने किया गया है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं किया इस घर को। तो जो है ना ये इस तरह के ना घर हर एक की चॉइस होती है। ये अभी रूम का व्यू दिखा रहे हैं आपको, ये मिनी कवर्ड है, साथ में जो है ना यहाँ से भी बाहर का व्यू आप इजीली देख सकते हैं। इस रूम से ये चेक करें जी, साथ वॉशरूम है, वेंटी लगी हुई है, वॉशरूम इन्होंने स्टैंडर्ड साइज़ बनाए हैं,
वाशरूम के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, एक कबर्ड बनी हुई है जहाँ पे आप जो है ना सपोज करें शावर लेते हैं तो आप इसको जो है ना यहाँ पे क्लॉथ वगैरह रख सकते हैं। ऊपर सीलिंग का डिज़ाइन किया गया है, ये चेक करें जी, अभी ना मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इस रूम का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे सीलिंग का डिज़ाइन चेक कर लें, ये नॉर्मल डिज़ाइन की सीलिंग या नॉर्मल रेट की सीलिंग इस तरह का डिज़ाइन नहीं होते उसमें। ये वॉशरूम का डिज़ाइन चेक करें, टाइल वगैरह लगी हुई है, साइड पे बॉर्डर लगे हुए हैं, ये वॉल टू वॉल कवर्ड है जी, ओपन करके आपको चेक करवाते हैं। बल्कि मैं आपको जो ना बाकी भी दिखाता हूँ, ये फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये चेक करें जी, टेरेस पे आ गए हैं हम, कुछ फिर बता रहा हूँ कि कुछ काम ना माइनर सा रहता है अभी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह आपको पूरा करवा के दिया जाएगा। ये ऊपर जो है ना इन्होंने नीचे बारिश वगैरह ना आए, जब बारिश हो तो आप यहाँ बैठ के मौसम का एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं ना थोड़ा सा मोमटी का व्यू दिखाता हूँ, तो फिर जो है ना आपको मैं इसकी ना डिटेल बताता हूँ कि प्राइस वगैरह के हवाले से। नीचे ही चलेंगे हम, जो मेन पे खड़े होकर ना आप इसकी प्राइस कोट करेंगे, हम फ्रंट साइड का आपको व्यू दिखाते हुए साथ साथ हम प्राइस कोट करेंगे। आपको सारा दिखा दिया हमने जी, तो अभी मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि इसकी जो है ना ओनर डिमांड क्या कर रहा है। हम ना नीचे भी चल रहे हैं तो सारा व्यू दिखाता हूँ आपको। तो जी नाज़रीन, मैंने आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाया, उसके बाद मैंने आपको डिटेल बताई, ग्राउंड फ्लोर दिखाया, फर्स्ट फ्लोर, ईच एंड एवरीथिंग। कोशिश किया एक वीडियो में ब्रीफ कर सकूं, लेकिन वीडियो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि छोटी बनाऊं, लेकिन जब मैं सिटी हाउसिंग में या जो सोसाइटीज़ में जाता हूँ तो इतने खूबसूरत ज़बरदस्त आउट क्लास शानदार आलीशान घर बने होते हैं। और मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ एक वीडियो में ब्रीफ करूँ कि ना सिर्फ झेलम के लोग बल्कि आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी देखते हैं वीडियो, तो वो किस तरह आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान आके देखेंगे, तो वो वीडियो से ही फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, इंस्टा पे मैसेज आते हैं, कहते हैं कि आप वीडियो लंबी बनाया करें। कुछ मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर कहते हैं आप वीडियो शॉर्ट 5 मिनट की बनाया करें। मुझे बताएं 5 मिनट में किस तरह मैं हर एक चीज़ आपको ब्रीफ कर सकता हूं। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि इसकी ओनर डिमांड क्या कर रहा है। ओनर की डिमांड है 2 करोड़, 2 करोड़ ओनर की डिमांड है। कॉर्नर प्लॉट हर एक चीज़ मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। आप चाहते हैं विजिट करना तो एक नंबर स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक कर इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको फिजिकली विजिट भी कराया जा सकता है। आपको मज़ीद जब टोकन के ऊपर बात आएगी तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कम से कम बेहतर जो है ना आपकी डील करवाई जाए। तो अभी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो बड़े बात आसानी आप तक पहुँच सकें। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान चोहित साहब को इजाज़त दें, कैमरामैन शेख उस्मान के साथ चोहित सफर इन्फॉर्मेटिव टीवी झेलम, खुदा हाफिज़।